गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एसएससी माइंड ट्री में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो आज का क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा 31 जनवरी 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, जूलॉजी के स्टडी को स्टडी हम एनिमल के स्टडी में को जूलॉजी बोलते हैं, तो वायरोलॉजी जो होता है वो वायरस के स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे इसको इस कोडेड कोड में लिखा गया, तो बताना है कि इसे हम यहाँ पे किस कोड में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या किया गया है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है। जो फर्स्ट आपके 3 लेटर है उसे लास्ट में करके रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस फर्स्ट को लास्ट में जाके रिवर्स कर देना, तो आप अगर लास्ट में देखते हैं तो बी और ए एल होना चाहिए और इसके पहले और सारे लेटर होंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं बी ए एल किस में, देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में बी ए एल है, बाकी अब किसी में नहीं है। देख लीजिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम जल्दी सॉल्व करने के लिए मेथड जो भी ऑप्शन होता है उससे एलिमिनेट है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है एनालॉगी से है कि इस प्लेस पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 8 9 19 18, आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे एफ का, और जी का 7। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, +2 और यहाँ पे देखिए +2। तो यहाँ पे हम +2 जब करेंगे तो 21 21 किसका होता है, यू का होता है। अगर आप 18 में +2 करेंगे तो आपका टी आएगा। तो यू टी देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा यू टी। ठीक है, देख लीजिए आप ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो यू टी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, देख लेते हैं। देखिए क्या किया गया है इसमें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप 11 का स्क्वायर कीजिए, तो 121 हो जाएगा, प्लस जब आप 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 132। वैसे ही हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं हम। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 144। ठीक है, और प्लस हम क्या करेंगे इसमें 12, जब 12 प्लस करेंगे तो 6 5 1 156, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ऑड वन बताना है। कंडेम दिया हुआ है, क्रिटिसाइज दिया हुआ है, रिप्रोच दिया हुआ है और आपका फ्रेश दिया हुआ है। देखिए ये सब का इसका मतलब दोष लगाना होता है, ये भी निगेटिव वर्ड ही है दोष लगाना टाइप का। वैसे इसका मतलब समीक्षा करना होता है, क्रिटिसाइज का मतलब, और रिप्रोच का मतलब भी होता है दोष लगाना। ठीक है, लेकिन जो फ्रेश है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना इसका मतलब होता है। तो हमारा जो ऑड वन हो जाएगा वो फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो देखिए 2 3 इसका होता है 9 6, इसका होगा 3 12, और जब आप इसका लिखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका G7 और 8। तो देखिए अगर आप इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसे करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और इसे करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट जो बी सी है वो नॉट डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 23 3 से डिविजिबल नहीं होता। हमारा ऑड वन क्या हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ट्रिक इसमें यूज किया गया। तो पहले आप खुद सॉल्व करें फिर मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ हो तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसमें क्या किया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आएगा, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे पहले लिख दिया गया। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है 2 7 1 4, तो 7 मल्टीप्लाई 2, जो 2 है इसको यहाँ लिख दिया गया। वैसे ही देखिए अगर आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 32 आता है, तो देखिए यहाँ पे 8 दे दिया गया। और देन अगर आप 7 में 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो सेम अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो आपका यहाँ पे 56 आना चाहिए था, बट यहाँ 58 है, तो हमारा ऑप्शन ऑड कौन हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑड वन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन, जब आप इसे ऐड करेंगे तो 21, इसे ऐड करेंगे तब भी 21, और इसे ऐड करेंगे तब भी 21, बट इसे ऐड कीजिएगा तो आपका 21 नहीं आएगा, ठीक है। इसे ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो जो हमारा ऑड वन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला एक सीरीज दिया हुआ है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है, विंग्स कमांडर। तो वैसे जो हमारा आपका फ्लाइंग ऑफिसर होता है इनसे पहले होता है, जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए क्या किया गया है। 12 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 24, 24 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72, अगर 72 में आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आपका आ जाएगा 288, अगर आप 288, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जब जो आपका लास्ट बचता है 288, अगर उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आपका देखिए आएगा 1440। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका वो हमारा एजम्पशन और स्टेटमेंट और एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ, मेजर कंपनीज आर नाउस डेज सर्विंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन सिस्टम, ठीक है। सेकेंड वाले में दे रहा है, सप्लाई चेन कंप्राइजेस ऑफ लॉजिस्टिक्स रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। आगे जो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, रिटेलर प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज दे आर इंटरेक्ट विथ कस्टमर इन वन हैंड ऑन फर्स्ट हैंड, ठीक है। तो फर्स्ट हैंड हमारा जो जो भी रिटेलर होते हैं हमसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड तो करते नहीं है, पहले तो कंपनी से प्रोडक्ट लेके आते हैं और फिर हमें सेल करते हैं, ठीक है। तो आपको पहला जो है वीक लग रहा है आपका, ठीक है, पहला जो कंक्लूजन है वीक लगता है, वीक लग रहा है। सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स देन प्रोडक्ट कैन इजीली बी अवेलेबल टू द कस्टमर्स इन सच एन एरा ऑफ कंपटीशन। हाँ ये बात ठीक है, अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक के साथ प्रोडक्ट को बनाती है तो इस एरा में भी आपको सारे प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो चलिए हम देख लेते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फ्लो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। आज का वीडियो में सिर्फ 11 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको सारे अपडेट मिले, और वेल आइकन को जो होते हैं उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट इजीली मिलते रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।